नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। रातू थिमोदी तवानवनुआ जो स्वर्गीय रातू चोनी मंडराई वीवी के छोटे भाई है अगले रोकुतुम बाव रहेंगे। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब लेट रातू चोनी का अंतिम संस्कार आज बाव आलन पर उनके चीफली बर्यल ग्राउंड उलीनदेवा में किया गया। अंतिम संस्कार में रातू चोनी के अच्छे दोस्त ग्रेम लियोंग और थुईकांबा क्लैन के रातू ताओ की ताओ दोकनाउतो ने भाषण देते हुए उनके अच्छे कामों के बारे में लोगों को बताया। फिजी मिलिट्री फोर्सेस के सदस्यों द्वारा लेट रातू चोनी के शो को ट्रेडिशनल बर्यल साइट तक ले जाया गया जहां से उसे नखरोई वाओ के लोगों के हवाले कर दिया गया। वे अपने पीछे अपनी पत्नी आंधी लुसियाना गोलिकोरो और तीन भाई बहन छोड़ गए हैं। फिजी टीचर्स यूनियन का कहना है कि इस वर्ष साइक्लोन विंस्टन का असर पड़े इलाकों में स्टूडेंट्स के एग्जाम पास रेट्स कम रहेगा। जनरल सेक्रेटरी अग्निदेव सिंह का कहना है कि ऐसा इसलिए जबकि क्लासेस में बाधा उत्पन्न भी थी और स्टूडेंट्स को मेकशिफ्ट क्लासरूम्स में पढ़ाई करनी पड़ी थी। सिंह ने बताया कि उनका अनुमान है कि राखोरो और ओवलाओ में एग्जाम रिजल्ट्स पर असर पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का कहना है कि उन्होंने ऐसे कई कदमों को उठाया है ताकि इस एकेडेमिक वर्ष पर कम से कम असर पड़े। रेड्डी के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल क्लासेस को भी आयोजित किया गया था। साइक्लोन विंस्टन से लगभग 60,000 बच्चे प्रभावित हुए थे और लगभग 2,000 स्कूल्स क्षतिग्रस्त हुए थे। फिजी रोज अथॉरिटी अभी भी MWH ग्लोबल से और जानकारी का इंतजार कर रही है कि क्योंकि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे जिसके लिए वे अथॉरिटी ऐसे कई मिलियन डॉलर्स का पेमेंट चाहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन हचिंसन का कहना है कि वे जल्द से जल्द MWH के आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को सेटल करने पर काम कर रहे हैं। हचिंसन ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने कई पदों को भी एडवर्टाइज किया है जो MWH के जाने के बाद खाली हो गया है। MWH ग्लोबल ने पिछले महीने FRA के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था। MWH FRA के कई कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल करता था। और खेलकूद में ऑस्ट्रेलियन गोल्फर मैथ्यू जाल्स ने सभी को चकित करते हुए फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में लीड हासिल कर ली है। 27 वर्षीय जाल्स ने आज 6 अंडर पास 66 कार्ड किया और सबसे ऊपर चले गए। उन्होंने कुल मिलाकर 11 अंडर पास खो किया है। फिजी के विजय सिंह ने 3 ओवर पास 75 कार्ड किया है और 42nd स्पॉट पर है। फिजी इंटरनेशनल रविवार को समाप्त होगा। यह आज के मुख्य समाचार। याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM को सुन सकते हैं। शुभ रात्रि।